कर रही हूँ, इन सबका रंग तो नीला पड़ता जा रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमें अपनी प्राण शक्ति से इन लोगों पर फैलते हुए जहर को रोकना होगा। तब तक मैं वीर लोग जाके शौर्य से इस जहर का कोई तोड़ पूछ के आती हूँ। हाँ। तिमना सब, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी लड़ाई के बीच में मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों को मत लाओ। अब इस बार क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुएं के मेंढक को हमेशा यही लगता है कि कुआ ही उसकी जिंदगी है विवान। पर अफसोस, मुझे इस बार तुमसे कुछ नहीं चाहिए। या? तो फिर इतने सारे लोगों को ट्रबल में डालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मुझे उससे हिसाब किताब करना है। कहाँ है वो नकाबपोश? कहाँ है नकाबपोश? कहाँ हो तुम? भिंदा थे तो बाहर आओ। नकाबपोश, नकाबपोश। नहीं, 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 आवाज इधर से आई है। नकाबपोश तो बारिश के मौसम में बादल की तरह कभी इधर से कभी उधर से गरज रहा है। अरे अगर बरस गया तो पता नहीं क्या होगा। फोकस, हम आ चुके हैं। अब बताओ, होली के दिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने इतना बड़ा अनहोली काम कर दिया? तुम्हारे साथ ये रंगों का त्योहार मनाना चाहती थी, इसलिए। विवान, एक काम करो, मुझे भी एक पिचकारी दे दो, मैं भी तिमनासा को थोड़ा लठमार होली का स्वाद चखा दूं। दोस्त, इम्मी आंटी कहते हैं जो पिचकारी है वो कोई सीक्रेट वेपन है। ओ, तुम चिंता मत करो विवान, मरने के लिए तैयार हो जाओ नकाबपोश। ओह, तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? अच्छा, तो बताओ जरा क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा, पूरी कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी लाइफ का बल्ब स्विच ऑफ करना है। इस मुखौटे के पीछे रहकर जबान चलाना बहुत आसान है नकाबपोश, अगर हिम्मत है तो ये मुखौटा हटा और अपना असली चेहरा दिखाओ, तब बात करना। ओ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपने दोस्त से एक बार गले मिल लेता हूँ, फिर आर पार की लड़ाई चालू करते हैं। ओके, Yeah!
इस दिव्य फूल के लेप से लोगों के शरीर में जहर फैलना रुक जाएगा, लेकिन अगर जहर को पूरी तरह से दूर करना है तो वो तभी संभव है जब नागिनी खुद उस जहर को वापस ले। लेकिन शौर्य, नागिनी तो तिमनासा के लिए काम करती है, तो फिर वो अपना जहर वापस क्यों लेगी? भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। विश्वास रखो बालवीर और उस नए दोस्त नकाबपोश पर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ नकाबपोश, अगर तुमने बेमार को कुछ किया तो। वाओ, कितनी अजीब बात है, तुम मुझे धमका रही हो, मेरे हाथ में हथियार और वो भी तुम्हारे क्रिएटर पर निशाना लगाते हुए, और तुम मुझे ही धमकी दे रही हो। Am I missing something? क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता ये। मैं तुम्हारी गीजड़ धपकियों से नहीं डरता नकाबपोश। तो आज देख ही लेते हैं कि गीदड़ कैसी मौत मरता है। हाँ, क्यों नहीं, टिम्मी आंटी का वेपन है, देखो तो सही कितना पावरफुल है। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो भारत नगर के लोगों के अंदर जो तुमने जहर फैलाया है उसे वापस खींचो, मैं भैमार को छोड़ दूंगा। डील? कम से कम इस दवाई से इन सब की जान खतरे से बाहर आ जाएगी और हमें समय मिल जाएगा। हाँ पानी परी, मुझे पूरा यकीन है विवान नागिनी को किसी भी तरह मजबूर कर ही देगा जहर को वापस लेने से। परियो, हम भारत नगर के सभी लोगों को मैंने दवा दे दी है, बस देवू बच गया है पर वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, हम सब यहाँ एक साथ आए थे और देवू भी हमारे साथ ही था। क्या सोच रहे हो नागिनी, जल्दी डिसाइड करूं, कहीं ऑफर तुम्हारे अच्छे किसी साहब की तरफ फिसल ना जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी नागिनी, ध्यान रहे कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मेरी जान से ज्यादा जरूरी रहमार की जान है, इसलिए मैं अपना सारा जहर वापस ले रही हूं। नहीं, अगर तुमने एक और सांस ली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया ना। इतना याद रखना कि अगर आज नागिनी नहीं बची तो फिर भारत नगर में कोई नहीं बचेगा, यहां तक के विवान के घर वाले भी नहीं। इसलिए सौदा एकदम सीधा है। ठीक है, मैं भैमार पर ये हथियार नहीं चलाऊंगा, प्रॉमिस, ओके? तुम शायद समझे नहीं नकाबपोश, मुझे भैमार या नागिनी की जान की कोई परवाह नहीं है। ये मतलब ही कहीं की? मुझे तो तुमसे बस एक चीज चाहिए। मुझसे क्या चाहिए, पप्पी या फिर जादू की झप्पी? हाँ, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम, मुझे तुमसे वो पहेली चाहिए जिसे तुमने कान लोक से चुराया है, और अगर तुमने मुझे वो पहेली दे दी तो मैं वादा करती हूँ भारत नगर वाले जिंदा रहेंगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होंगे नकाबपोश और कोई नहीं।
रम्या आंटी किस पहले की बात कर रही है दोस्त? ओह, तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं उस पहेली के बारे में? ये कैसी दोस्ती हुई? चलो कोई बात नहीं, अगर दोस्त को नहीं बताए तो क्या होगा, अपने दुश्मन को ही बता दो। लकड़ी की हांडी को आग में दो बार नहीं चढ़ाते नकाबपोश। बिल्कुल सही कहा तिमना सर। मेरानी। नागिनी जी, प्लीज कंटिन्यू और एल्स। देवू तो यहाँ कहीं नहीं है। देवू? नहीं, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है विवान को तरीका मिल गया है नागिनी को मजबूर करने का। सबका कल्याण हो रहा है तो मेरा भी हो जाए। अपने सवाल का जवाब लिए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी नकाबपोश, याद रखना। वापस आऊंगी। नागिनी, दोस्त हम जीत गए। यस ब्रदर, अच्छाई ऑलवेज विंस। थैंक गॉड, इन सबके ऊपर से जहर का इफेक्ट खत्म हो रहा है। शुक्रिया दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। लेकिन दोस्त वो पहली तो बताओ। परियो, भारत नगर के सारे लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन देबू। क्या हुआ देबू भैया को? देबू भैया, विवान, देबू बिल्कुल ठीक है और हम सबके साथ हैं यहीं पर। हमें इनकी मेमोरीज में से आज की इस बुरी याद को मिटाना होगा, नहीं तो शौक के कारण इनके दिमाग का तो बगोड़ा बन जाएगा और ये मैं होने नहीं दे सकता। ओ नागिनी,
तुम कहाँ चले गई? अरे अभी तो हमारा लैन मटक का शुरू भी नहीं हुआ था और तुमने हमेशा के लिए अपने नैन भी बंद कर दिया। ये गलत बात है मेरा जाही, गलत बात है। चुप बेवकूफ। नहीं मैं राजा नहीं। तिम्नासा आवाज नीची रख के बात करो भैमार। जंग के मैदान में सिपाही शहीद हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपना आपा खो दे। मुझे अभी के अभी जानना है कि वो कौन सी पहेली थी जो तुम नकाबपोश से जानना चाहती थी, जो तुमने मुझे भी नहीं बताई और जिसकी वजह से नागिनी मारी गई। किसान कभी कोल्हू के बैल को ये नहीं बताता भैमार के वो खेती किसकी कर रहा है, तो तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। आंखों पे पट्टी बांधकर तलवारबाजी करने की बेवकूफी भैमार नहीं करता। अगर तुमने इसी वक्त मुझे नहीं बताया कि वो पहेली क्या है तो मैं छोड़ता हूं तुम्हारी सेना इसी वक्त। अरे स्वार्थ और घमंड की देवी, इतना स्वार्थ और घमंड अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। बता दीजिए कि वो राज क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो दांव पर लगी है? मेरी जान दांव पे लगी है। लोक पर एक छुपी हुई शक्ति है जिस तक पहुंचने की एक पहेली है जो नकाबपोश को पता है और मुझे नहीं पता। उसी पहेली के बारे में बात कर रही थी मैं भैमार, और अगर उस पहेली का पता मुझे नहीं पता चला तो वो छुपी हुई शक्ति मुझे मार देगी। इसका मतलब तुम्हारी जान बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगाते रहे अब तक। जंगल में जब आग लगती है ना भैमार, तो सिर्फ शेर ही जख्मी नहीं होता बल्कि पूरे जंगल में आग लग जाती है। ये मत सोचना कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग बच जाओगे, तुम भी मरोगे। और ये बात सिर्फ तख्त की नहीं है बल्कि पूरे काल लोक की है। फैसला तुम्हें करना है कि तुम किसका साथ देना चाहते हो। मना कीजिए, धरती लोक पर भेस बदल कर पान की दुकान चलाकर गुजारा कर लेंगे हम। तुम अच्छे से जानती हो तिम्नासा कि मेरी वफादारी काल लोक से है, काल लोक के तख्त से है, उस पर बैठने वाले से नहीं। वफादारी के नाम पर जान देने वाले तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ही तो दुनिया के सारे ताकतवर लोग राज कर पाते हैं। एक बार बस मुझे उस नकाबपोश का पता मिल जाए फिर मुझे तुम्हारी वफादारी की कोई जरूरत नहीं है। ओह, मम्मी। अरे मम्मी, माँ क्या हुआ? ठीक हूँ, पता नहीं क्यों आज सर में ज्यादा दर्द हो रहा है। अब वो पॉइजन के असर की वजह से। पॉइजन? वो पॉइजन नहीं मम्मी, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मम्मी, आपको तो पता ही है ना कि सब जगह कितना पॉल्यूशन फैल रहा है,
और शायद जिस पानी से वो कलर बना था ना, वो भी शायद डर्टी था, इसलिए भारत नगर के सारे लोगों के सिर में दर्द हो रहा है। अरे लेकिन तुम दोनों तो भले चंगे दिख रहे हो मुझे। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप टेंशन में आ जाते ना, इसलिए। माँ की फिरकी क्यों ले रहा है विवान? मुझे पता है इसका सर दर्द तभी होता है जब उसको स्कूल नहीं जाना होता है। माँ हम दोनों एकदम टिप टॉप कंडीशन में है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम दोनों कोई सुपर हीरो हो क्या जो सारी कॉलोनी वालों को सर में दर्द हो रहा है और तुम्हें नहीं? हाँ मम्मी, हम सुपर हीरो ही तो हैं क्योंकि हम दोनों के पास आपके आशीर्वाद की सुपर पावर जो है। वो तो है, लेकिन बोलो नहीं सुनो, चापलूसी करने का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मैं लौकी करेले और मूली का जूस बनाने वाली हूँ जो तुम दोनों पियोगे और मैं भी। इस पॉल्यूशन का यही सॉल्यूशन है। ओके देवो भैया, मैंने बाकी लोगों की तरह आपकी मेमोरी ना डिलीट करके ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब हमें करेला लौकी और मूली का जूस पीना पड़ेगा। विवान सॉरी, वो क्या है ना, माँ से सच छुपाने के चक्कर में मैं नर्वस हो जाता और इसलिए मेरी जुबान डिस्को करने लगती। सॉरी। एनीवेज मैंने आपकी मेमोरी इसलिए डिलीट नहीं की क्योंकि मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। अरे तो बोलो ना, क्या क्या मैटर है बोलो। यही कि टम्मी आंटी कह रही थी कि उसे नकाबपोश से कोई पहेली चाहिए और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पहेली क्या हो सकती है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, वो नकाबपोश से जाके पूछो ना, वो तो दोस्त है ना तुम्हारा, उसी से जाके पूछ लो। उसने आज तक मुझे अपना फेस भी नहीं दिखाया तो वो मुझे पहेली के बारे में क्यों बताएगा। आई एम श्योर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ विवान, मामला तो बहुत गंभीर है, इतना गंभीर कि मैं तुम्हें भी सच नहीं बता सकता, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है कि मैं उस छुपे शक्ति तक पहुंचने की पहली सीढ़ी पार कर चुका हूं। सर्वकाल ने कहा था कि छुपी शक्ति तक पहुंचने के लिए मुझे पहेलियों के मायाजाल से गुजरना पड़ेगा। पहली पहेली को सुलझाने के बाद मुझे डिब्बे मिले, यानी छुपी शक्ति तक पहुंचने के लिए अगली पहेली जो इसी डिब्बे के अंदर मिलेगी। अरे ये क्या हुआ, मैंने कहीं से तोड़ तो नहीं दिया? मैं चमकदार हूं मगर समझदार नहीं, मैं जलता हूं मगर आग नहीं, मैं टिमटिमाता हूं मगर आंख नहीं, मैं रात में दिखता हूं मगर चांद नहीं, भटके हुओं को राह दिखाता हूं, मेरा नाम बताओ उत्तर पे इनाम पाओ। क्या मतलब हो सकता है इस पहेली का? एक नागिनी के मरने पर इतनी खुशी सर्वकाल, वो तो बस एक किराए की सिपाही थी, उसके लिए इतना खुश होने वाली क्या बात है? मेरी खुशी का असली कारण ये है कि नकाबपोश ने वो पहेली सुलझा ली है। अब वो छुपी शक्ति के एक कदम और करीब पहुंच चुका है। जब तक तुम उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का रास्ता ढूंढोगी तब तक तो वो नकाबपोश तुम्हारी चिता बिछा देगा। मुझे किसी भी तरह से उस नकाबपोश के बढ़ते कदमों को रोकना होगा। ये पराठे करुणा जी ने अनन्या के लिए भेजे, उसे दे देता हूँ।
देवू गलत बात, 24 घंटे में दूसरी बार तुम हमारे घर में बिना डोरबेल बजाए घुस रहे हो। हाँ नहीं नहीं, वो कामिनी आंटी। आंटी नहीं, दीदी बोलो। हाँ कामिनी दीदी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ अनन्या का हालचाल जानने आया था। ओ, तुम अनन्या का हालचाल पूछने आए थे। क्यों, तुम कोई डॉक्टर हो, वैद हो, हकीम हो, कौन हो, क्या हो तुम? मैं पड़ोसी हूँ और एक पड़ोसी होने का धर्म निभाने आया हूँ। हमें ध्यान रखना चाहिए अपने पड़ोसी का, और ये माँ ने बनाए उसके लिए पराठे, तो मेथे के पराठे। अरे वाह, ये तो चिंटू चिंटी के फेवरेट है, और अचार के साथ तो। अरे चिंटू चिंटी बेटा, देखो करुणा आंटी के ऐसे मेथी के पराठे आए हैं। देवू तुम अनन्या से मिल लो। अरे अरे अनन्या आपकी पेइंग गेस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके लिए बनाए हुए पराठे आप खा जाएंगे। देखो मुझे 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 मारना मत, मैं अपने जुबान का हंटर मत चलाना। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, वो माँ के पराठे को लेकर आया था, लेकिन वो कामिनी जी ने सब खा लिए। प्लीज प्लीज मुझे मुझे मारना मत, प्लीज प्लीज। गेट लॉस्ट। ओके नहीं एक मिनट, मैं क्यों जाऊँ? हमारा तो पैचअप हो गया था ना, और तुमने शांति समझौते पे सील भी मार दिया था। हाँ यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हारे मुँह पे कील मार दूंगी। ठीक है चला जाऊंगा। वैसे ये अच्छा किया तुम, मोबाइल पर टाइम पास करने से अच्छा है कि तुम ये सब पेंटिंग करो। वैसे है कौन ये कार्टून? हाँ कार्टून हो गए तुम, वो भी फ्लॉप वाले। ये तो सुपर हीरो है। उस दिन जब तुम डर के भाग गए थे ना, तो इसी ने मुझे उन लोगों से बचाया था। एक्सक्यूज मी, मैं डर के भागा नहीं था, बालवीर को बुला। ये बहाने अपनी मम्मी को देना, मुझे नहीं। ठीक। अब वैसे तुम जब यहाँ आई थी तब तो बालवीर की फैन थी, अब तुम ये नकाबपोश की फैन कैसे हो गई? इतनी जल्दी कोई नेता अपनी पार्टी भी नहीं बदलता। मुझे लगता है कि बालवीर रिटायर हो गया है, क्योंकि वो मुझे उस दिन उन चोरों से भी बचाने नहीं आया, और होली पार्टी में भारत नगर के लोगों को भी बचाने नहीं आया। तो अब से मैं नकाबपोश की फैन हूँ। विवान ने तो सभी लोगों की मेमोरी क्लीन कर दी थी, फिर अनन्या को कैसे याद है कि भारत नगर के लोगों को नकाबपोश ने बचाया था? तुम्हें भी कार्टून बनवाना है क्या? हाँ नहीं 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 वो मैं। तो यहाँ स्टैचू की तरह क्यों बैठे हो? वहां से सीधे जाओ और राइट लो। हाँ पता है मुझे, वहां से बाहर जाने का रास्ता है। अब अगर तुम मुझे एक सवाल का जवाब दोगी तो मैं यहाँ से 9+2=11 यानी 9-2=11 हो जाऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ठीक है पूछो। भारत नगर के किसी भी इंसान ने नकाबपोश को नहीं देखा, तो होली के दिन उसी ने हमें बचाया है, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे चोरों से किसने बचाया, बालवीर ने या नकाबपोश ने? नकाबपोश ने। तो मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कल पार्टी में भी लोगों को नकाबपोश ने बचाया होगा। बाय द वे, कल जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा ना, तो मुझे तो लगा कि नकाबपोश ही आ गया। मैं तुम्हें सुपर हीरो जैसा लगा, मतलब What the F? Funny. Grow up, Dabu. वो fast and furious है और तुम dull और डरपोक। वो super hero है और तुम super zero हो। अगर तुम्हें हम दोनों में इतने differences नजर आते हैं, तो तुम्हें मुझ में उसकी झलक कैसे नजर आई? वो मैंने उसे होली पार्टी में इनवाइट किया था, तो मुझे लगा कि वो यहाँ पे आया होगा और लगे हाथ लोगों की हेल्प भी कर दी होगी।
मिल गया आंसर? हाँ। अब अपना प्रॉमिस पूरा करो और यहाँ से 9+2 हो जाओ, यानी कि दफा हो जाओ। हाँ, ओके। आओ आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। अरे भैरानी, कोई आसपास दिख तो नहीं रहा, फिर आप किसे बुला रही हो? हैं? कहीं आपकी आंखों में मोतिया बिंद तो नहीं हो गया? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आओ मेरे पास, तुम्हारी भैरानी तुम्हें बुला रही है। आओ। फिर बुला रही है? इसे बुला रही थी। और कितना समय लगेगा तुम्हें नकाबपोश का पता करने में कि वो आखिर है कौन? अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक होने लगा है। जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करो, नहीं तो का मेरा नहीं। ये निशाचर पंछी तो नहीं था, फिर आप इसे क्यों धमका रही थी? मूर्ख, ये निशाचर पक्षी नहीं बल्कि संदेश वाहक पक्षी है, है? जो धरती पर मेरे जासूस के पास मेरे सारे संदेश से लेकर जाता है। तुम्हारे लिए तो खुशी जासूसी कर रही थी ना? हाँ। करती थी भैमार, पर क्या है ना, किसी ने उसके ऊपर से मेरा जादू हटा दिया है। हाँ। इसलिए अब वो मेरे किसी काम की नहीं। तो फिर ये पंछी किस जासूस के पास खबर लेके गया है? शतरंज के मैदान में तिमनासा कभी एक प्यादा लेकर नहीं उतरती। धरती पर मेरा एक और जासूस है जो इस वक्त मेरे लिए काम कर रहा है, उस नकाबपोश को ढूंढने का। एक और जासूस? और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा, वो नकाबपोश मेरे घुटनों में होगा, नाक रगड़ते हुए। तिमनासा, तुमने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं, तुम चारों तरफ से घिरती जा रही हो। खुद को इस चक्रव्यूह से जल्दी निकाल लो, वरना प्रजा को लगेगा कि तुम काल लोक के तख्त पे बैठने लायक नहीं रही। आखिर इस पहेली का क्या आंसर हो सकता है? मेरे जूते कहाँ है? आज मुझे स्कूल की तरफ से हाइकिंग पर जाना, पर मेरे जूते भी नहीं मिल रहे। मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। यार कहाँ गए? मैं चमकदार हूँ मगर समझदार नहीं, मैं जलता हूँ मगर आग नहीं, मैं टिमटिमाता हूँ मगर आँख नहीं, मैं रात में दिखता हूँ मगर चांद नहीं। मेरा नाम बताओ, उत्तर पे इनाम पाओ। ये पहले तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं कहाँ रखती? मम्मी मेरे जूते कहाँ? अरे तेरे रूम में होंगे ना, वहां जाके ढूंढ। गुड आइडिया। एक पहेली को सुलझाने के बाद मैं इस पहेली तक पहुंचा, यानी अगर मैं इस पहेली को सुलझा लूं, तो मैं उस छुपी शक्ति के एक कदम और पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन आखिर इस पहेली का मतलब क्या है? देवू भैया, आप अकेले अकेले में किससे बात कर रहे हैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.